प्यार है याद रखो याद रखो, ये मेरा घर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल सी टी वी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह शराफत मुगल। खबर दें आपको अवामी स्पोर्ट्स स्टेडियम मंडी अहमदाबाद से, जहां पर जश्न आज़ादी के मौके पर आगा हॉकी क्लब मंडी अहमदाबाद और शाहीन हॉकी क्लब पतोकी के दरमियान शानदार मैच मुनक्द हुआ। मैच के चीफ ऑर्गेनाइजर मिर्जा असद बेग साहब फ्राम यूके, सीनियर प्लेयर रियाज अहमद राजू और राजा जफर इकबाल बानी आगा हॉकी क्लब और जनरल सेक्रेटरी आगा हॉकी क्लब डॉक्टर इमरान और इकबाल भुट्टा मैनेजर आगा हॉकी क्लब, जिनकी सरबराही में ये मैच खेला गया, जिसमें टीम आगा हॉकी क्लब ने 3-1 की बर्तरी से मैच जीत लिया। आज ना आपको मजीद बताएं कि ये मैच दी बेस्ट 3 क्वार्टर्स पर मुश्तमिल था, जिसमें दोनों टीमों ने अच्छी खेल का मुजाहरा किया। इस मैच के कैप्टन मोहम्मद अकरम कूदा थे, जिन्होंने अपनी टीम को जितवाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। नाजरीन आपको मजीद बताएं कि प्लेयर हामिद मुनव्वर ने 2 गोल किए, जबकि उस्ताद रियाज ने 1 गोल किया और सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद बिलाल पंजाब पुलिस ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और नाजरीन खबर के दौरान आगे बढ़ते आपको मजीद बताएं कि मैन ऑफ द मैच का पहला इनाम हामिद मुनव्वर को दिया गया, जबकि दूसरा इनाम और 10,000 रुपया कैश नकद पत्तों की शाहीन हॉकी क्लब को दिया गया। इस मैच में मेहमान खुसूसी महमूद कादरी और दीगर सियासी और समाजी अहम शख्सियात थी। और आपको मजीद आगाह करें कि इस मैच के कमेंटेटर मोहम्मद आसिफ थे, जिन्होंने शानदार तरीके से मैच की कमेंट्री की और सी टी वी न्यूज़ ने इस मैच को बराह रास्त अवाम तक पहुँचाया, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने सी टी वी न्यूज़ को अप्रिशिएट किया। माशाल्लाह जी, बहुत थैंक यू हम पत्तोकी की तरफ से, दिल की अथाह गहराइयों से मंडी अहमदाबाद का बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें अच्छा इतना अच्छा जो है ना हमारा खूबसूरत मैच हुआ, हम इनके नहायत ही अदब से शुक्रगुजार। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज से इन्होंने सारे मैच को जो है ना बहुत ही प्रोफेशनल नज़ारा शायकीन के सामने पेश किया, मैं इनको बहुत ही खराज तहसीन पेश करता हूँ। और नाजरीन आज की इसी खबर के साथ मुझे यानी शराफत मुगल को अपनी न्यूज़ टीम कैमरा दें इजाज़त। ऐसी मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें अपना चैनल सी टी वी न्यूज़।